यूपीएससी में 225 तारीख को सर, और बीच बीच में 21 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम डेट आ गया सर, ऑप्शनल का तैयारी करना है सर। बहुत मुश्किल, अभी हमको जस्ट पता चला, अभी जा रहे हैं बात ठीक है सर, ठीक है सर, सर जिद पे अड़े हुए हैं सर एग्जाम लेने से, यूपीएससी छात्रों का क्या करना है सर, डेट डेट बढ़वा दीजिए नीतीश सर, डेट बढ़वा दीजिए, डेट आगे करवा दीजिए। मंत्री से आप लोग बात किए, आश्वासन मिला, क्या दिक्कत क्या है? हम लोग सुबह 8 बजे से ट्राई कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से बात हो जाए, परंतु सचिव साहब और अन्य अधिकारियों से बात हुई, संजय झा मंत्री जी से भी बात हुई, परंतु मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हम लोगों को स्पेशल उन्हें अभी अभी पता चला है मुख्यमंत्री जी को, तो अभी उसे संज्ञान में लेके कुछ कार्रवाई करेंगे। यूपीएससी में 16 से 24 25 तक चलेगा, बीच में बीपीएससी पीटी होना हम लोग के साथ अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी था। कमीशन का कहना है कि वो 6 लाख बच्चों के लिए परीक्षा कराएंगे, 250 बच्चों को उनका ध्यान नहीं देना है। अभी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार की उन्होंने कहा है कि अभी अभी उन्हें पता चली है कि परीक्षा 21 को है, तो अभी संज्ञान में लिए हैं वो और इस पर जरूर कुछ कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है, हमें उम्मीद है कुछ कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है, हम लोग दिन रात यहाँ पर आके लगे हुए थे कि समय मिल जाए, अनंतता मुख्यमंत्री जी ने समय दिया और बीपीएससी के रिगार्डिंग जो भी हम लोग का इशू है वो कहा है जाते के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी तक का अपडेट यही है, जितने भी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं हम लोग यहाँ दिल्ली से आप लोगों को जी न्यूज के माध्यम से ये सूचित करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को समय दिया गया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है यहाँ से जाते के साथ हम लोग बीपीएससी के मैटर को देखेंगे। तो बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन के डेट था वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन डेट से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, इसी सिलसिले में ये बच्चे आए थे, मुख्यमंत्री से पहले मुलाकात करने का समय मांग रहे थे, बाद में मुख्यमंत्री ने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि जरूर इस पे चर्चा होगी, विचार विमर्श करके इनके मुद्दों को देखा जाएगा। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ नेहा जी, मीडिया दिल्ली।